तो आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल सीट भिलाई नगर की, जहां कांग्रेस से सिटिंग एमएलए देवेंद्र यादव और भाजपा से दिग्गज नेता प्रेम प्रकाश पांडे आमने सामने हैं। इधर देवेंद्र यादव दुर्ग जिले की भिलाई नगर सीट से पहली बार 2018 में विधायक निर्वाचित हुए। वे कांग्रेस के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए। देवेंद्र यादव ने स्कूल के दौरान ही कांग्रेस की छात्र राजनीति में कदम रख दिया था। वे एनएसयूआई के प्रतिनिधि व एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष भी रहे, साथ ही एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव व राष्ट्रीय महासचिव भी रहे। मात्र 25 वर्ष की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के महापौर बनने के साथ ही सबसे युवा विधायक का खिताब भी देवेंद्र यादव को मिला है। देखिए इस रिपोर्ट में। इस बार भी प्रदेश कांग्रेस ने भिलाई नगर विधानसभा सीट के लिए अपने सिटिंग एमएलए देवेंद्र यादव पर ही विश्वास जताया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में देवेंद्र यादव ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष व मंत्री रहे कद्दावर भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे को चुनाव हराया। बात की जाए उनके राजनीतिक करियर की, तो देवेंद्र यादव 2009 में रुंगटा कॉलेज के एनएसयूआई प्रतिनिधि रहे। 2009 से 11 तक जिला अध्यक्ष एनएसयूआई रहे। 2011 से 2014 तक प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई रहे। 2014 से 2015 तक राष्ट्रीय सचिव। 2015 से 2016 तक राष्ट्रीय महासचिव एनएसयूआई रहे। 2016 में वे महापौर नगर पालिका निगम भिलाई रहे। 2017-18 में वे राष्ट्रीय सचिव यूथ कांग्रेस रहे। 2018 में देवेंद्र यादव पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। 2019 से 2021 तक वे सदस्य प्राकलन समिति छत्तीसगढ़ विधानसभा रहे। 2020 से 2021 तक वे सदस्य पुस्तकालय समिति छत्तीसगढ़ विधानसभा रहे। देवेंद्र यादव दुर्ग जिले के भिलाई नगर विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए हैं। भिलाई नगर अनारक्षित सीट है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 65 के नाम से जाना जाता है। 2018 की यदि बात की जाए तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 156,660 रही है, जिसमें 105,693 मतदाताओं ने मतदान किया। कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव को 51,044 वोट मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे को 48,195 वोट मिले। आनंद नारायण ओझा, INS247 दुर्ग। इधर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में दुर्ग जिले के 4 विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। भिलाई नगर से देवेंद्र यादव को कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। इसके खिलाफ भाजपा के प्रेम प्रकाश पांडे को टिकट दिया गया है। टिकट मिलने के बाद देवेंद्र यादव के समर्थकों ने भिलाई क्षेत्र के हर चौक चौराहे पर देवेंद्र यादव का पटाखों के साथ जोरदार स्वागत किया, साथ ही मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। साथ ही देवेंद्र यादव ने आयरिश न्यूज परिवार को सटीक सूची बताने के लिए धन्यवाद भी दिया है। इधर भिलाई नगर सीट उन चुनिंदा हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, जिसके परिणाम पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी है। इस सीट से भाजपा ने अपने कद्दावर नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और रमन कैबिनेट में मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे को मैदान में उतारा है। देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा के कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। 80 के दशक में छात्र नेता रहे प्रेम प्रकाश पांडे साल 1990 में पहली बार कांग्रेस के दिग्गज नेता रवि आर्या को हराकर विधायक बने। इसके बाद साल 2093 में दोबारा जीत के बाद वे मध्य प्रदेश शासनकाल में मंत्री रहे। इसके बाद साल 2013 में वे छत्तीसगढ़ सरकार में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे। रमन सरकार में उन्होंने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्व मंत्री सहित छत्तीसगढ़ सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। INH न्यूज ब्यूरो।